सीबीआई ने वरिष्ठ पत्रकार और एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय राय और उनकी पत्नी राधिका राय तथा कंपनी के सीईओ विक्रमादित्य चंद्र के खिलाफ वर्ष 2007 से 9 के बीच में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई निवेश के उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज किया है। उन पर धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश के आरोप भी लगाए गए। सोमवार रात को दर्ज किए गए केस में कुछ अज्ञात सरकारी अफसरों तथा अन्य के नाम भी है। बुधवार को सीबीआई की टीम ने कंपनी के सीईओ चंद्र के निवास पर छापा मारा। सीबीआई द्वारा दायर एफआईआर में कहा गया कि एनडीटीवी का गठन 8 सितंबर 1988 को किया गया था। इसमें प्रणय राय, राधिका राय तथा नारायण केवीएल राव रिटायर्ड आईआरएस अधिकारी पूर्णकालिक निदेशक थे, जबकि विक्रमादित्य चंद्र सीईओ और पूर्णकालिक निदेशक थे। कंपनी ने मई 2004 से 10 के बीच विश्व भर में करीब 32 सहायक कंपनियों का गठन किया। ये कंपनियां अधिकांश टैक्स हेवन्स कर बचाने के लिए सुरक्षित ठिकाने देशों में खोली गई। इन देशों में हॉलैंड, ब्रिटेन, दुबई, मलेशिया, मॉरिशस शामिल है। इन कंपनियों का कोई व्यावसायिक लेन देन नहीं था और ये सिर्फ वित्तीय लेन देन के लिए बनाई गई थी और इनका इस्तेमाल सिर्फ विदेशों से पैसा लाने के लिए किया गया। कुल मिलाकर यह भी कहा जा रहा है कि एनडीटीवी समय सरकार के निशाने पर है और एनडीटीवी जिस तरह से अपनी बात बेबाक तरीके से रखता है उससे यह कहा जा रहा है कि जल्द ही एनडीटीवी के प्रणय राय पर भी सीबीआई द्वारा बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।